चित्रकूट जिले के एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर चिखली ने लगातार अपनी बेहतर चिकित्सीय प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रतिदिन एक नई इबारत लिखी जा रही है। ताजा मामले में एक व्यक्ति के 60% झुलस जाने के बाद भी हॉस्पिटल के कुशल डॉक्टरों और अनुभवी स्टाफ की देखरेख में महज 18 दिन में उसे दूसरा जीवन प्रदान करने में सफलता हासिल। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली सदैव अपनी बेहतरीन चिकित्सा प्रणाली के लिए जाना जाता है और दिन ब दिन नई और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास भी कर रहा है। ताजा मामले में खैरागढ़ निवासी राम प्यारे रजक बुरी तरह से लगभग 60% झुलस चुके थे, जिन्हें खैरागढ़ के एक अस्पताल के कहने पर सीधे एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली लाया गया, जहां अत्याधुनिक तकनीक से एवं एसआर हॉस्पिटल के काबिल और भरोसेमंद डॉक्टरों एवं पूरी टीम की मेहनत से महज 18 दिनों में नवजीवन प्रदान किया गया। हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों के द्वारा किए गए उपचार से खैरागढ़ निवासी राम प्यारे रजक काफी संतुष्ट नजर आए और उनके परिजन भी यह कहते हैं कि एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली जैसा कोई दूसरा अस्पताल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपचार के साथ साथ यहां का नर्सिंग स्टाफ भी काफी मिलनसार और सहयोगी है, जिससे राम प्यारे रजक बहुत ही कम दिनों में स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। राम प्यारे रजक के परिजनों को यह विश्वास नहीं था कि उन्हें दूसरा जीवन मिल पाएगा, जिसके लिए उन्होंने भी एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों की टीम, प्रबंधन सहित नर्सिंग स्टाफ का हृदय से आभार जताया है। जी सर, मेरे चाचा है सर। चाचा किस तरह से जले थे सर? वो क्या है, रात में थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग किए थे, उनका माइंड फ्रेश नहीं था। सवेरे और सो के उठे तो पता नहीं, और नशा कर लिए, और नशा करने के बाद में अपने हाथ से खुद डाल करके जला लिए। जिस तरह से जले थे, क्या आप लोग को उम्मीद थी यहाँ आने के बाद कि वो बच पाएंगे? नहीं सर, हम लोग तो प्राथमिक उपचार के लिए जैसे खैरागढ़ लेके गए, मेरा नज़दीक गांव है, मतलब शहर है सर वो खैरागढ़, तो खैरागढ़ लेके गए तो वहाँ एक सर है, वो बोले कि सर आपको अगर इसको अच्छा इलाज कराना है, जिस हिसाब से इसका जला है उस हिसाब से इसका मतलब आगे का जो है इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता, तो आप ऐसा करके एक हॉस्पिटल है वहाँ लेके चले जाइए, उनका बेटा मतलब इलाज हो जाएगा, इसका हम लोग को सर बोले। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं सर, आज 15 तारीख से भर्ती है, आज लगभग आज 6 तारीख समथिंग से 6 तारीख है सर, 18 दिन हो गए सर, तो उसके हिसाब से आज का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है सर उनका। तो डॉक्टर्स को और इस अस्पताल प्रबंधन को क्या कहेंगे? सर मैं अपने दिल से सर मतलब ये हार्दिक मतलब ये दूंगा सर, बधाई दूंगा कि मैं मेरा चाचा जो है जिन परिस्थिति में था 40-60% जो जला हुआ था वो आज इस कंडीशन में है, इसके लिए मैं पूरे स्टाफ को और ऐसा मतलब जो ये है हॉस्पिटल है उनको हार्दिक बधाई देना सर चाहता हूँ सर। दादा नाम बताओ अपना, क्या है? राम प्यारे रजक। राम प्यारे जी, आप इस हॉस्पिटल में आए थे, डॉक्टरों का कहना है 60% आप जले हुए थे, कैसा उपचार मिला यहाँ पे बताएंगे, आप संतुष्ट हैं उससे? एकदम ठीक, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर लगे हुए, एक ने एक आए डॉक्टर पूरा रहे। और यहाँ पे जो स्टाफ है, बाकी नर्स दीदी लोग जो हैं, उन लोग कैसे हैं? सीधा अच्छा है वो, मन से आओ करते थे, पूछा पाचा थी, पूछा लगा का दादाजी के पूछा थे, वो 18-20 दिन हो गए, 18-20 दिन हो गए, पढ़े तो नहीं हूँ वो तो कुछ। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो जैसे त्या आए रहे, थोड़ा उम्मीद रही से ठीक हो जाए बोल के विश्वास नहीं रही, मतलब एसआर हॉस्पिटल में पूरा विश्वास रही से तुला यहाँ ठीक, यहाँ जब सुई पानी लगी मैं 2 दिन के अंदर मैंने जब मेरे उसमें पूरा प्रतिवर्तीकरण पूरा व्यवस्था हुई और भरोसा आ गया ठीक हो जाऊँगा। तो यहाँ के डॉक्टर मन ला धन्यवाद बोल दे, यहाँ डॉक्टर है नर्स है सब धन्यवाद बोल दे। राम प्यारे रजक काफी गंभीर स्थिति में एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में लाए गए थे। यहां आने के बाद यहां के काबिल डॉक्टरों की टीम ने तुरंत अपना कार्य प्रारंभ किया और शुरू हो गई एक और जान बचाने की जद्दोजहद, जिसमें अहम सहयोग डॉक्टर विश्वामित्र बर्न एवं प्लास्टिक सर्जन का रहा। डॉक्टर विश्वामित्र ने राम प्यारे रजक के उपचार की जानकारी मीडिया को दी, तो वहीं एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने भी अपने हॉस्पिटल के गुणी डॉक्टरों एवं पूरे स्टाफ की सराहना करते हुए इस नई उपलब्धि को पाने की बातें कही हैं। मैं संजय तिवारी,
चेयरमैन SR हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। एक मरीज राम प्यारा रजक जो बुरी तरीके से झुलस गया था, गंभीर रूप से जिसके शरीर में आग लग गई थी, लगभग वह 60% जिसका शरीर का हिस्सा जल चुका था, वह मरीज हमारे पास में 15/5 को आया उपचार के लिए। SR हॉस्पिटल में जो हमारी टीम है, बर्न यूनिट के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर विश्वामित्र दयाल साहब एवं उनकी संपूर्ण टीम के द्वारा मरीज को जो तत्काल उपचार प्रदान किया गया, मरीज का जो है वह छुट्टी हो रहा है और अब मरीज पूर्णतः स्वस्थ है। SR हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सेवा में क्षेत्रवासियों के लिए सदैव तत्पर है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा, किसी भी बीमारी को छोटा ना समझे, प्रत्येक बीमारी को बहुत ही गंभीरता से लेवे, चाहे वो शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए पास के नज़दीकी अस्पताल जहाँ डॉक्टर और सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं वहाँ जाएँ और जरूर अपना निरंतर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र विद्या बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन की हैसियत से SR चिखली दुर्ग में कार्यरत हूँ। यहाँ पर राम प्यारे जी रजक जो खैरागढ़ निवासी 60% बर्न के साथ भर्ती हुए थे, जो आज पूर्णतः स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, इनका सारवार मैंने किया है। ये सीधे खैरागढ़ से SR हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जिनका इनिशियल रिसक्सिटेशन भलीभांति किया गया, इनको इन्फेक्शन से बचाया गया और इनका डिब्राइडमेंट अर्ली किया गया, जिसके कारण वे अच्छी तरह से स्वस्थ हो गए और सेकेंडरी प्रोसीजर करने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ी। इसमें हमारे ICU स्टाफ, हमारे अन्य चिकित्सकगण, फिजिशियन, ICU इंटेंसिविट ने अपना एक्सपीरियंस का लाभ मुझे पहुंचाया और समय समय पर मुझे मदद किए, जिनके कारण आज वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। SR हॉस्पिटल आज ऐसे मुकाम पे है कि एक गंभीर से गंभीर मरीज का इलाज करने में सक्षम है। उसके लिए हम लोग उनको कोकोनट ऑयल से मसाज करवाएंगे और प्रेशर गारमेंट उनको पहनने के लिए सलाह देंगे, साथ में वो फिजियोथेरेपी करेंगे। जो जख्म प्राइमरली हील हो जाता है उसमें दाग धब्बे कम होते हैं। पृथ्वी पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो जीवन देने का कार्य करता है, ऐसा ही कर दिखाया है SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टरों एवं स्टाफ की टीम ने, जिसके लिए पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा आम हो चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।